नवरात्रि पर्व की ढेर सारी शुभकामनाओं संग आज की पॉडकास्ट की शुरुआत कर चुके हैं। मैं हूं अनिमेश और अनीश हमेशा की तरह मुस्तैद हमारे साथ यहां पे विराजमान है। तो नवरात्रि की बहुत सारी बधाइयां, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। माता का आशीर्वाद हमेशा पर बना रहे, हम सब पर बना हम सब पर बना रहे। हाँ, मतलब अगले मुझ पर बना रहेगा तो थोड़ा ज्यादा बेनिफिशियरी हो जाऊंगा। और वैसे भी भारत में बेनिफिशियरी होना अपने आप में सौभाग्य की बात है। हाँ, ये तो बहुत सारे मसलों पे आप, बहुत सारे लोग जो हैं वो बेनिफिशियरी बनने के जुगाड़ में रहते हैं। अभी जो ट्रेंडिंग चल रहा है बेनिफिशियरीज बनने का, वो चल रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना। हाँ, उसका किसी ने एक फर्जी ऐप बना के बहुत सारा लूटपाट भी किया। तो उससे थोड़ा सावधान रहने का। एक मैंने कहीं पे पढ़ा था कि भारत में इस तरीके का एक ट्रेंड है, थोड़ा अजीब है, कि बहुत सारे जो वेल टू डू लोग होते हैं वो अपने आप को गरीब साबित करने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं कि कोई तो कार्ड बन जाए बीपीएल टाइप का, ताकि ये हमारे गांव में देखने को मिलता है। लोग 35 किलो चावल लेने के लिए कार से जाते हैं, मतलब 200 का पेट्रोल लगा के जाते हैं, फिर आते हैं उस चावल को बेचते हैं और फिर शामें गुलजार करते हैं। ये तो गुजरात में भी देखने को मिला था कि 10-15 हजार की नौकरी में डिफेंडर, थार, हमर जैसी गाड़ियां लेकर पहुंचे थे लोग। तो थोड़ी आयरनी हमारे देश में, लेकिन हम नवरात्रि पे वापस आते हैं। सवेरे सवेरे आज जो पदयात्री होते हैं, जो यहाँ से डूंगरगढ़ की तरफ जाते हैं पैदल, उनके दर्शन हुए आज, तो बड़ा अच्छा लगा देखकर। ये बहुत कम केस पे होता है और इस पर मैं कहना चाहूँगा कि जो व्हीकल से जा रहे हैं उस दौरान वो थोड़ा सा ध्यान रखें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ऐसे क्या त्योहारों का मजा त्योहारी रहे तो ज्यादा अच्छा लगता है। ऐसे नहीं, इस पे जो नवरात्रि के समय पदयात्री जाते हैं ना, ये डिसिप्लिन्ड होते हैं, ये किनारे चलते हैं, सभ्यता से चलते हैं और इनका सब कुछ परफेक्ट होता है। जो सावन के पदयात्री होते हैं वो थोड़े उन्मादी होते हैं, क्योंकि वो शिव भक्त हैं ना। हाँ, तो वो थोड़े से उन्मादी होते हैं। और हाँ, ड्राइवरों को तो ज़रूर से ध्यान रखना ही चाहिए। कुछ लोग तो इस कदर भी ड्राइवरी करते हैं कि मतलब आप डिवाइडर के उस पार हैं तो वहाँ भी आ सकते हैं, फुटपाथ में है तो घर वर में भी आ सकते हैं। और अब टैलेंट तो फिर वो हाई जंप लॉन्ग जंप की सब शुरू हो जाती है ऑन रोड। हाँ, वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, एक बात सड़कों पर अभी है और वो है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में क्या चल रहा है। बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ दी है और टीम ने उनको छोड़ दिया। मतलब वो ऑस्ट्रेलिया लेकर नहीं जा रहे हैं, थोड़ा मेंटल स्ट्रेस है या हेल्थ को लेकर थोड़े कंसर्न है, तो मेंटल हेल्थ को अभी दिखाएंगे। उसके बाद जिम्बाब्वे दौरे पे हो सकता है वो वापस आए। तो ये कौन से मैच का डर था, इंडिया के साथ कुछ मैच डर नहीं, मतलब इनसिक्योरिटी में भी मुझे जो लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में ना चाहे वो टीम का कप्तान हो चाहे वो देश का कप्तान हो, उसकी कुर्सी अनसर्टेन ही होती है, डावाडोल होती रहती है, क्योंकि आप किसी की खुशी पे वहां पर बैठे हुए हैं, अपने परफॉर्मेंस के दम पे तो क्या ही बैठेंगे। तो इसलिए थोड़े से अनसर्टेन वो होते हैं। और थोड़ा मुझे लगता है कि जो बाबर आजम जिस फॉर्म में थे, जिस बेहतरीन तरीके के वो खिलाड़ी हैं, थोड़ा अननेसेसरीली उनको जो कंपैरिजन में डाल दिया, जो स्टैट्स उनके विराट कोहली से मिलाए जाते थे, जो ऑल टाइम ग्रेट उनको बताया जाता था, और फिर कैप्टेंसी में उनके रिकॉर्ड्स जो हैं, अगर टीम नहीं जीत रही है तो वो सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं। तो लेट्स होप कि जो भी मेंटल स्ट्रेस है उससे वो जल्दी बाहर आ जाए। एक मूवी आई थी स्पाइडरमैन, उस पर एक लाइन थी, शायद मैं अगर कहीं पर कुछ ग्लिच आ जाए आप करेक्ट कीजिए, कि विथ ग्रेट पावर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो कम्स। तो शायद पाकिस्तान में है, विद ग्रेट पावर कम्स द रेजिग्नेशन लेटर। और मुझे ये लगता है ना कि नाम का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। हाँ, उनका नाम आजम है, एक हमारे यहाँ है। हाँ, वो भी डावाडोल हैं थोड़े, दोनों के दिन थोड़े मतलब जी स्ट्रेस वाले तो चल ही रहे हैं। अपन जो अब चलने वाला है उस पे आते हैं। शक्ति का पर्व नवरात्रि शुरू हुआ है और शुरू हो गया है वुमेन्स वर्ल्ड कप भी। और एक तो शिकायत सारे खेल प्रेमियों से रहती है कि चाहे वो विमेंस वर्ल्ड कप हो चाहे ओलंपिक्स हो, इन गेम्स को भी उतनी ही शिद्दत से अगर हम देखने लगें जैसा क्रिकेट देखते हैं, तो आई थिंक हमारी मेडल टैली अपने आप बहुत बड़ी हो जाएगी। डेफिनेटली इस पे एक ये देखा गया ना कि जैसे 10th क्लास यहाँ से शुरू करते हैं ना, बेसिक से 10th क्लास हो 12th क्लास हो, लड़कियाँ इस बार टॉप 5 में हैं, लड़के एक भी नहीं आए टॉप 5 में छत्तीसगढ़ की बात करें तो। वैसे ही ओलंपिक जो अभी रिसेंट हुए 2024, उस पे फीमेल्स का जो रेशियो रहा नहीं, ये मेडल्स तो का, मतलब सदियों से मैसेज क्लियर है ना कि नवरात्रि के बाद कन्या भोज होता है, लड़के तो लंगुरवा ही होते हैं। तो उनका स्टेटस डिफाइंड है कि भाई तुम यही हो। और वैसे भी हमारे देश में लड़कों से एक ही उम्मीद होती है कि वो पैदा हो जाए। हाँ, उसके बाद लड़कों से कोई उम्मीद नहीं होती। उसके बाद घर कौन संभालेगा, तो लड़की संभालेगी, परिवार कौन संभालेगा, तो लड़की संभालेगी,
रिश्ते कौन संभालेगा, तो लड़की संभालेगी, तो लड़कों से कहां ही कोई उम्मीद है। क्यों इतना प्रेशर डालते हैं लड़कों पे? ऐसे ही कुछ प्रेशर बाबर आजम पे डाल दिया। नहीं, ये आपकी बात सुन के अब मैं प्रेशर में आ रहा हूँ यार, ये बात सही हो रही है क्या? क्योंकि मेरी तीन बहनें हैं, मैं अकेला लड़का हूँ, तो हमारे यहाँ शक्ति का पर्व कुछ ज्यादा ही मतलब आजीवन मनाया जाता है, तो ये प्रेशर। अच्छा, ये जो बहनों के बीच में भाई होते हैं जी, ये फंसते ज्यादा हैं, पैम्पर्ड ज्यादा होते हैं, कैसे रहते हैं ये बहनों के बीच के भाई? देखिए, बहनों के लिए ये पैम्परिंग होता है, हमारे लिए फंसना होता है। जस्ट लाइक मैं सबसे छोटा हूँ, तो जो बहनों के फ्रॉक होते थे मैं वो पहन के बड़ा हुआ। ये होता है। अब लड़कों जैसा मेरा रहा नहीं, बाल लंबे कर दिए गए क्योंकि तीन बहनें हैं, वो अपने तरीके से, वो अचानक से एक लड़का देख के ये सोचती है ना कि ये कैसे आ गया, मतलब ये कौन सा अजीब सा प्राणी आ गया हमारे घर में। तो वो मेरी चोटियां करती थी, लिपस्टिक लगाती थी, काजल लगाती थी, तो वो उनके लिए पैम्परिंग था, मेरे लिए एक टाइम पे सजा बन गई थी वो। जब रियलाइज हो गया कि हाँ यार मैं लड़का हूँ, तब फिर सजा होती है। हाँ, पहले बचपन में तो सब मजा ही मजा होता है, फिर हाँ, फिर ये भी आ जाता है ना कि यार फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं बीइंग अ मैन कि या बीइंग अ बॉय कि यार मेरे लंबे बाल होने चाहिए, छोटे बाल होने चाहिए, मैं किस तरह से बात करूं लोगों से। लेकिन इसका एक बहुत अच्छा बेनिफिट भी मिलता है कि आपको लड़कियों से बात करने की तमीज आ जाती है, वो तहजीब क्रिएट हो जाता है बाय डिफॉल्ट। करेक्ट, ये बहुत ज़रूरी होता है। और एक और ज़रूरी चीज़ ये भी होती है, क्योंकि लड़के हैं तो बाहर जाएंगे, दोस्त यार बनेंगे, फिर कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो चाहते हैं कि घर तक ना पहुंचे, ऐसे में जो शॉक अब्जॉर्बर हैं वो सिस्टर्स होती हैं कि वो बचा लेती हैं पिता के प्रकोप से। हाँ, क्या है ना कि माओ का कनेक्शन ऐसा माना जाता है साइकोलॉजी कि माओ का कनेक्शन बेटों से होता है और पिता का कनेक्शन बेटियों से ज़्यादा होता है। और शायद यही एक रीज़न है कि विदाई पे पिता रोता दिखता नहीं है मगर अंदर से तड़प गया होता है। हाँ, वो आंसू रोकना बड़ा मुश्किल होता है जी, और वो कलेजा काट के देने वाली बात पिता के द्वारा की जाती है, माँ के द्वारा नहीं की जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि यार रो लेना चाहिए, मतलब चाहे पिता हो चाहे लड़के हो, लड़कों पे ये भी प्रेशर है कि रोना नहीं है, तो रो लेना चाहिए, मतलब क्या ही दिक्कत है रोने में। हाँ, एक और पॉडकास्ट पे आपने बात की थी कि जिन शब्दों को जुबान नहीं मिलती है, जुबान पे डेडिकेटेड था वो टॉक शो, तो वो फिर आंसू बन जाते हैं। और एक यहीं रायपुर की एक क्लिनिक पे किसी डॉक्टर के पास, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, बट क्लिनिक पे बहुत अच्छी बात लिखी है कि अपनों के सामने दिल खोल लो तो हमारे सामने दिल खोलने की जरूरत नहीं। हाँ, कुछ वो शायराना अंदाज में लिखा है कि जो दिल खोल लेते यारों के साथ तो फिर क्यों ही खोलना पड़ता हो हजारों के साथ। हाँ, तो ये भी एक रीजन है कि रो लेना चाहिए, बात तो सही है। हाँ, तो कह देना चाहिए। अच्छा, रोने से याद आया कि रो तो मिडिल ईस्ट वाले रहे हैं, क्योंकि ईरान ने भाई मतलब मिसाइल फायर कर दिए 200 से ज्यादा इसराइल के ऊपर, इसराइल के आयरन डोम ने कुछ तो रोक लिए, कुछ गिर गए वहां बच्चे, जब जो नष्ट की हुई मिसाइल्स के जो अब अवशेष पड़े हुए हैं, मलबे पड़े हुए हैं, उसके साथ खेल रहे हैं। तो मतलब इस तरीके के उनको खिलौने मुहैया हुए हैं जो किसी को ना हो। लेकिन अब जो सबसे असमंजस में है वो है यूएन। एक फिल्म आई थी धमाल, जिसमें एक कैरेक्टर था जावेद जाफरी का, कि वो कहते ना ऐसे मौकों पे मैं आगे कैसे आ जाता हूं। तो इसराइल ने यूएन को कह दिया इधर आने का नहीं, और ईरान कह रहा है कि यूएन अब आप देखो लड़ाई आगे बढ़नी नहीं चाहिए। तो मोहल्ले की लड़ाई हो और कोई बड़ा आ जाए घर का, पापा या चाचा, और बाकी बच्चे भाग जाए और एक फंस जाए, तो यूएन वैसा फंसा हुआ है अभी। अब मुझे ही बताना है कि हुआ क्या था, और मुझे ही पेसिफाई भी करना है दोनों पक्षों को। लेकिन अभी पूरे मतलब पूरी दुनिया में इस चीज को लेकर अब आशंकाओं के बादल हैं कि इसराइल का अगला मूव क्या होगा। अच्छा, इसराइल के कुछ बयान भी आया हुआ था ना कल रात में ही कि भाई ये निर्णायक युद्ध अब होगा जो अब तक हुआ नहीं है, तो ईरान तैयार रहे, ऐसा कुछ। हाँ, कल ट्विटर पे चल रहा था। ऐसी बयानबाजियां तो हुई हैं, अब ये जो बाजियां हैं बयानों तक ही सीमित रह जाएं तो बेहतर है, लेकिन लग नहीं रहा है कि ऐसा होगा। और जिस तरीके के मतलब वर्ल्ड वॉर से बाद से, वर्ल्ड वॉर के पहले से हालात देखे, तो मुझे लगता है कि अक्सर बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस जो होते हैं ना, यूएन वगैरह जो ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें ये लोग बात करते हैं ग्लोबल पीस की, वैश्विक शांति की, वो एक फैंटेसी है, वो दिखावा है, होती नहीं है ग्लोबल शांति कहीं पे भी। और करने में एक काफी बड़ा अंतर हो जाता है। और यूएन बहुत बेबस है। यूक्रेन रशिया में क्या कर लिया उसने? हाँ, सही है। या इसके पहले जो इसराइल के वॉर चल रहे थे उस पर क्या कर लिया? तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद बना था। हाँ, ये है कि यूएन की मौजूदगी से एक कोई तीसरा वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ है, और वो शायद इसलिए भी हुआ है कि कोई दो सुपर पावर नहीं है, एक ही सुपर पावर रहा है अभी तक। हाँ, लेकिन अब वो स्टेटस चैलेंज हो रहा है।
अब अमेरिका इकलौता सुपर पावर है ऐसा पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता है। तो आगे पता नहीं क्या होगा। आई थिंक दुनिया को शक्ति का पर्व वैसे ही मनाना चाहिए जैसे भारत में मनाया जाता है, जैसे हम नवरात्रि मनाते हैं। बाकी यूक्रेन रशिया जिस तरीके का शक्ति का पर्व मना रहे हैं, इजराइल अब जो अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तो लेट्स होप कि हमने अभी गांधी जयंती भी मनाई है, और जब भी कभी ऐसी लड़ाइयाँ होती हैं गांधी जी और भी ज़्यादा प्रासंगिक हो जाते हैं। तो गांधी जी की राह पे चलने का मतलब MG रोड में चलना नहीं होता है उनको पढ़ना, उनके सिद्धांतों को समझना और उनकी जो फिलॉसफी थी उसको अपनाना दुनिया के लिए थोड़ा मुश्किल काम है। अभी मैं किसी एक मीडिया हाउस का सर्वे पढ़ रहा था जहां पर उन्होंने ये सवाल युवाओं से पूछा कि अगर एक गाल पे कोई चाटा मार दे तो क्या दूसरा गाल आगे कर दोगे। तो गांधी जी ने लिटरली ऐसा थोड़ी कहा था कि चाटा मार देगा, वो तो एक सिंबोलिज्म था। उस सिंबल को छोड़ के लिटरल मीनिंग पे ये सर्वे किया गया जिसमें ज्यादातर युवाओं ने कहा कि एक गाल पे कोई चाटा मारेगा तो हम दूसरा गाल कतई आगे नहीं करेंगे, उसका मुंह तोड़ देंगे। मेरा सिर्फ एक मासूम सा सवाल है कि अगर चाटा पिताजी ने मारा है नहीं तो फिर दूसरा गाल किसका होगा, ये डिपेंड उसी का होगा पिताजी एक के बाद कहां रुकते हैं वो तो वो भी करते हैं अपना शक्ति प्रदर्शन फिर वो बाल सिर्फ गाल तक बात सीमित नहीं रहते, वो बाल खींच के गाल पे चाटा पड़ता है ना। हाँ हाँ, अरे कहाँ कहाँ क्या क्या पड़ता है उसको क्या ही बताएं आप बताइएगा कि ये जो पढ़ने पढ़ाने की प्रथा है इससे आप कितना और कैसे गुजरे हैं। हमारा ये पॉडकास्ट अभी आपके जो बहुत ही श्रवण यंत्र हैं आपके कान हैं वहां से गुजर रहा है, इसको लेकर अपने मत बताइएगा और सुनते रहिएगा। नवरात्रि की एक बार फिर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।